स्टूडेंट्स, अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन एआरपी एंड आरएआरपी। तो एआरपी स्टैंड्स फॉर एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल एंड आरएआरपी स्टैंड्स फॉर रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल्स। नोट्स, यूज एआरपी ब्रॉडकास्ट इन लैन बाय यूजिंग ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस। जो नोट्स होते हैं वो अपनी मैक एड्रेस को ब्रॉडकास्ट करते हैं लैन पे विद द हेल्प ऑफ एआरपी ब्रॉडकास्ट। एंड आरएआरपी यूजेस ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस। तो आरएआरपी क्या करते हैं, अपनी आईपी एड्रेस को ब्रॉडकास्ट करते हैं लैन पर। इट मैप्स आईपी एड्रेस ऑफ नोड टू इट्स मैक एड्रेस। और एआरपी प्रोटोकॉल क्या करता है, आईपी एड्रेस जो नोड की होगी उसके करस्पॉन्डिंग उसकी मैक एड्रेस फाइंड आउट करता है। एआरपी क्या करता है, इट मैप्स मैक एड्रेस टू आईपी एड्रेस। ये रिवर्स करता है एआरपी का, यानी कि हम इसे मैक एड्रेस प्रोवाइड करते हैं और ये हमें आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है। इट इज़ यूज्ड बाय होस्ट और राउटर टू फाइंड फिजिकल एड्रेस ऑफ अनदर होस्ट और राउटर इन लैन। तो एआरपी का यूज़ हम कब करते हैं, जब किसी होस्ट और राउटर को किसी दूसरे होस्ट या राउटर जो कि उसी लैन पे अवेलेबल है उसकी फिजिकल एड्रेस फाइंड आउट करनी होती है, तो उसका एआरपी का यूज़ होता है। जबकि आरएआरपी का क्या यूज़ होता है, इट इज़ यूज्ड बाय डिस्कलेस वर्क स्टेशन टू फाइंड इट्स ओन आईपी एड्रेस। यहाँ पर होस्ट को जो वर्क डिस्कलेस है उसको जब उसको खुद की आईपी एड्रेस को पता करना होता है तो यहाँ पर आरएआरपी का आरपी प्रोटोकॉल का यूज़ करना पड़ता है उसे। लॉस्ट होस्ट मेंटेन्स एआरपी टेबल। यहाँ पर होस्ट हर मशीन जो है एआरपी टेबल को मेंटेन करती है, जिसमें जहाँ पर लास्ट रिक्वेस्टेड आईपी मैक एड्रेस के करस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस को सेव करके रखा जाता है। जबकि आरएआरपी में क्या होता है, आरएआरपी सर्वर मेंटेन्स आरएआरपी टेबल। यहाँ पर सर्वर्स जो हैं वो आरएआरपी टेबल स्टोर करते हैं, जिसमें मैक एड्रेस के करस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस को स्टोर किया जाता है हर डिवाइस के लिए। एआरपी रिप्लाई यूज टू अपडेट एआरपी टेबल। और एआरपी रिप्लाई यूज़ करके एआरपी टेबल को अपडेट किया जाता है, यानी कि जो भी न्यू रिसेंट रिक्वेस्ट की गई आईपी एड्रेस के करस्पॉन्डिंग मैक एड्रेस के लिए उसको एआरपी टेबल में अपडेट कर दिया जाता है। एआरपी रिप्लाई आता है उसको यूज़ करके एआरपी टेबल को अपडेट कर दिया जाता है, यानी कि न्यू आईपी एड्रेस के करस्पॉन्डिंग मैक एड्रेस को अपडेट कर दिया जाता है। आरएआरपी टेबल इज़ यूज टू कॉन्फिगर आईपी एड्रेस टू लोकल होस्ट। और आरएआरपी टेबल का यूज़ किया जाता है लोकल होस्ट की आईपी एड्रेस को कॉन्फिगर करने के लिए। इट ऑप्टेंस एआरपी ऑप्टेंस मैक एड्रेसेस ऑफ अदर क्लाइंट्स बाय यूजिंग एन आईपी एड्रेस। तो यहाँ पर एआरपी प्रोटोकॉल में हमें अगर दूसरे क्लाइंट्स की आईपी एड्रेस पता है तो हम उनकी मैक एड्रेस को ऑप्टेन कर सकते हैं। जबकि आरएआरपी में क्या होता है, इट ऑप्टेंस इट्स ओन लोकल होस्ट आईपी एड्रेस बाय यूजिंग इट्स ओन लोकल होस्ट मैक एड्रेस। तो आरएआरपी क्या करता है, लोकल होस्ट की आईपी एड्रेस को ऑप्टेन करता है उसकी खुद की मैक एड्रेस को यूज़ करके। एआरपी में भी किसी होस्ट की आईपी एड्रेस पता होती है तो उसकी मैक एड्रेस को सर्च किया जाता है, और आरएआरपी में होस्ट की मैक एड्रेस को यूज़ करके उसी होस्ट की आईपी एड्रेस को सर्च किया जाता है।